यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में पेपर लीक मामले में अमर उजाला के पत्रकार अजित ओझा दिग्विजय से व सहारा के पत्रकार मनोज गुप्ता उर्फ झब्बू को जेल भेजने के विरोध में अधिवक्ता संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र भेजा और पत्र के माध्यम से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया। अधिवक्ता मनोज रॉय हंस ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पत्रकारों और आम जनता का हनन हो रहा है। इस मामले में सीधा सीधा जिलाधिकारी दोषी है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पेपर की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की होती है उस अधिकारी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अधिवक्ता मनोज रॉय हंस ने कहा कि जिलाधिकारी के खिलाफ FIR होगा। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम वरुण पांडे, मैं सिविल कोर्ट बलिया में अधिवक्ता के तौर प्रैक्टिस करता हूं और मैं आज एक ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अधिकारियों सक्षम अधिकारियों के माध्यम से देने आया था, लेकिन यहां पता चला कि कोई अधिकारी केंद्र पर नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सारे लोग इस मामले में संलिप्त है और अपने अपने गाला बचाने के लिए इस प्रकार से भाग रहे। जो पेपर लीक हुआ इससे पहले आपने देखा होगा कि यूपी टेट का परीक्षा लीक किया गया था। वो यूपी टेट का परीक्षा लीक हुआ उसमें सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं हुआ, उसमें मंत्री के भगिने को पास कराने के लिए लीक किया गया था। यह स्पष्ट था कि उसमें बड़े बड़े लोग हैं। इसमें अगर CBI जांच होगी, मैं बता रहा हूँ जिले से लेकर के सेंटर लखनऊ तक के लोग इसमें गिरफ्तार होंगे और इसका पूरा पर्दाफाश होगा। इसका मुख्य रचनाकार जिला अधिकारी बलिया ही है। अभी ये बता दिया जाए कि जब तक ये पत्रकार पर FIR क्यों हुआ, पत्रकार पर FIR दर्ज होना इस बात को साबित करता है कि आप अगर सच्चाई दिखाएंगे तो आपको दिखाने नहीं दिया जाएगा, अगर आप सच बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको दबाने का कार्य किया जाएगा। यही इनका मानसिकता करता है कि FIR दर्ज, पहले FIR पत्रकार पर दर्ज हुआ 420 4510 परीक्षा अधिनियम 66B IT 1 4510 66B वेलेबल ऑफेंस है। 420 में 7 साल की सजा है, उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट कहा है कि इसमें आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, 41A की नोटिस देंगे। उससे पहले 154 FIR की प्रक्रिया है, 154 CRPC में FIR दर्ज करेंगे। अगर आपने 154 FIR दर्ज नहीं किया है तो 91 के तहत आप किसी को थाने पर नहीं बुला सकते हैं, जो कि पत्रकार बंधु को बुलाया गया था और थाने पर संजोग से मैं उस समय था, लेकिन यह हम लोग बार बार आप भी थे वहाँ पे, पत्रकार महोदय भी जो लोग बैठे थे वहाँ पे, सारे लोग जो वहाँ कोतवाल है तो कोतवाल स्पष्ट कर रहा था कि मेरे स्तर का मामला नहीं है, मेरे स्तर का मामला नहीं है। स्पष्ट है कि जिलाधिकारी इसमें पूर्णतया लिप्त है और वह अपना गला बचाने के लिए DIS को गिरफ्तार करा करके इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में लगा है। इसलिए हम लोगों ने आज एक पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित करके पत्र दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से जाएंगे, रिट में करेंगे और जिलाधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति की जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि यह कम पैसा नहीं कमाया है नकल माफियाओं से मिल करके, बहुत पैसा कमाया होगा। जितने ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है सबको सेंटर अलर्ट किया है, कैसे अलर्ट कर दिया, इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। किन मामलों को लेकर क्या कुछ है पत्रकारों का जो मामला जिसके लिए आप कलेक्ट्रेट पर? मैं अधिवक्ता मनोज राय हंस, हमारे साथ हमारे सम्मानित साथी आए हुए हैं। हम लोगों ने आपके प्रकरण को देखा, पढ़ा, सुना, हमें लगा कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पत्रकारों या आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हम अपनी बात आपके सामने और राज्यपाल के सामने रखने के लिए आए हैं। इस मामले में सीधा सीधा जिलाधिकारी दोषी हैं। अब उनके दोषी होने के कौन कौन से सबूत हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सबूत नंबर एक उनका ये है कि सील्ड पेपर, 2 बजे से परीक्षा होने वाली पेपर, ये 12 बजे किसके अधिकार से खोले, क्योंकि 12 बजे परीक्षा निरस्त करने का मतलब हमारे पत्रकार बंधु के द्वारा जो सूचना प्रकाशित की गई या जो न्यूज निकाली गई उस न्यूज को इन्होंने सही साबित कर दिया। 2 घंटे पहले पेपर आउट हुआ ये मान करके और उन्होंने सही साबित कर करके पेपर निरस्त कर दिया और पूरे 24 जिलों के जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हो सकता है वो पेपर लीक न हुआ हो, जांच करना किसकी जिम्मेदारी थी? जिलाधिकारी की। जिलाधिकारी जांच करते, जांच के लिए ऊपर से आदेश लेते। ये 2 घंटा पहले, 2 बजे के पहले उस पेपर को का सील खोलने का अधिकार इनके पास नहीं था, इन्होंने खोला। गलती नंबर 1, खोलने के बाद पेपर जो आउट हुआ था उसको सही मानते हुए निरस्त किया, ये गलती नंबर 2। गलती नंबर 3 कि जो गलत नहीं था उसके खिलाफ FIR दर्ज इन्होंने कराया। ये कौन है? जिला के जिलाधिकारी। कोई भी परीक्षा होती है सबके आल इनाल ये होते हैं और इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं? सस्ता में मिल गए जिलाधिकारी, ये जिला विद्यालय निरीक्षक, उनके खिलाफ FIR हो गया कि चलो एक अधिकारी पे कर दो। जो भी अधिकारी पेपर के संचालन के जिम्मेदार होते हैं उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और पत्रकारों के खिलाफ अगर FIR किए हैं, आप गलती बता दें कौन सी गलती है। हमारी न्यूज तो आपने सही साबित कर दिया,
आपके चलते हमारी न्यूज सही साबित हो गई। अगर आपने ये गलती नहीं किया होता, दो घंटे पहले पेपर अगर आउट मान करके या उसको कैंसिल नहीं किया होता तो मानते कि हम गलत न्यूज प्रकाशित किए थे, जिसके आधार पर आपने हमारे खिलाफ मुकदमा किया। लेकिन आपने हमारी न्यूज को सही साबित कर दिया और डीएम साहब आप सही साबित करके फंस गए हैं। आप भूल गए हैं बलिया का इतिहास। इतिहास फिर आपको याद दिलाया जाएगा। बलिया को बदनाम करने की साजिश आपने किया है। यहाँ से बलिया से परीक्षा निरस्त करके और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देने का काम किया है कि बलिया के लोग इस घटिया स्तर की मानसिकता रखते हैं। मैं बता दूं, बलिया में पढ़ने वाले लोग भी हैं और बलिया के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। और लेकिन आपके इस कृत्य से, पेपर निरस्त करने से, बलिया की छवि भी खराब हुई है और इस छवि को दुरुस्त करने के लिए आपके खिलाफ FIR होगा। अगर पत्रकार हमारे साथ खड़े रहे तो FIR जिलाधिकारी के खिलाफ होगा और जिला छोड़ के इनको जाना पड़ेगा वापस। कि अजीत ओझा जो पत्रकार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उनकी गिरफ्तारी 4 घंटे पूर्व FIR से की गई है। FIR का लार्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी के बाद। CRPC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां उनकी गिरफ्तारी पहले की जाए। जो भी धाराएं उन पे लगाई गई हैं वो 7 साल से कम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधे सीधे वायलेशन किया गया है इनके द्वारा और उनको जेल भेजा गया है। दूसरी चीज, संस्कृत का पेपर सुबह सूचना उन्होंने दिया कि पेपर लीक हो जाता है और लीक होने के बाद सूचना के बाद भी इन्होंने पेपर कराया है। इनकी भागीदारी और इनकी संलिप्तता इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि ये पूरे मामले के सरगना है। सीधी बात, उनको लीगल एड से वंचित किया जा रहा है। उनके द्वारा जिला जेल प्रशासन से लेटर लिखने के लिए, अपने लिए अर्जी लगाने के लिए न्यायालयों में उनको न कलम मुहैया कराया जा रहा है, न पेन मुहैया कराया जा रहा है, न कागज मुहैया कराया जा रहा है। एक कलम के सिपाही को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अभी तक न्यायालय में जो 24 घंटे में FIR चली जानी चाहिए, कोई भी प्राइमा फेसी केस रजिस्टर होता है, लेकिन उन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी न्यायिक अधिकारी के सामने FIR को सीन नहीं कराया गया है। सीधे सीधे कानून को ताक पर रख के अधिकार ऊपर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बड़े लीडरों को संतुष्ट करने के लिए ये कार्यवाही की गई है। जो इसमें संलिप्त है उनकी सूचीबद्ध निकाल प्रक्रिया है, क्योंकि जिला अधिकारी को नैतिक रूप से अपने ऊपर भी जांच गठन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। सीधे रूप से ये तानाशाह व्यक्ति है। क्या मांग करते ये इनकी, सबसे पहले तो इनको, इनके ऊपर कार्रवाई हो, CBI जांच बैठे और पूरी प्रक्रिया जो है, पूरी प्रक्रिया जी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, CBI जांच हो, CBI और इनका इनको जांच के दौरान इनको सस्पेंड किया जाए और इनके विरुद्ध FIR लॉन्च किया जाए।